क्या नाम है? मनोज। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी हर काम अच्छा करते हैं। हिंदू थे आपके पिताजी? हिंदू नहीं थे? मतलब ये 2015 सरकार बन गई तब से आप कट्टर हिंदू बन गए? उससे पहले आप कट्टर हिंदू नहीं थे? नहीं, मोदी जी नहीं होने चाहिए। मोदी जी नहीं होने चाहिए। नहीं, क्यों क्यों मोदी से इतना नाराज? से नाराजगी है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे पहले इंसानियत। और रही बात योगी की और मोदी की, तो इन्होंने एक बताओ, उन्होंने क्या किया? देश प्रधानमंत्री कौन? मोदी। क्यों मोदी? सारा काम ही मोदी कर रहा है। अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी क्यों मोदी? मोदी ने जो करके दिखा दिया ना, बहुत सारी चीज ऐसी है। जैसे क्या आप समझते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? क्यों नहीं है? बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? उनके बारे में सोचना। स्मृति ईरानी जी को गांधी जी, राहुल गांधी जी की आंख दिख जाती है, पर वहाँ पे जो हुआ वो नहीं दिखता है। और जो अपनी पहलवानों महिलाओं के साथ जो ठाकुर साहब जानते हुए हो गए, उनका नाम भी लो, जान गए ना कि जो हमारे हम लोग सब जैसे ये हमारे साथ हैं भाई साहब, इनकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। आप अपनी राय? अगर हम लोग सब साथ के साथ बैठ सकते हैं, जो ऐसा माहौल बनाए जहाँ लोग सब एक साथ बैठ के बात कर सके एक दूसरे से प्यार से, जो भी इंसान वो ऐसा माहौल बनाएगा। कुछ साल तक मोदी रहेगा, अभी मोदी की लहर है, मोदी आएगा कुछ साल तक, मोदी रहेगा। जितने लोगों को मोदी का भूत है ना, एक बार सरकार और बन जाने तो मोदी की सब भूत उतर जाएगा। अभी को 60 साल इंतजार करवाया था ना, कांग्रेस को 120 साल इंतजार करना पड़ेगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी बेस्ट है, गरीबों के लिए सोचते हैं, समझते हैं। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और यहाँ बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, क्या एक बार फिर यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएंगे या इस बार राहुल गांधी को आजमाएंगे। क्या नाम है? मनोज। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी हर काम अच्छा करते हैं। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? जो काम कांग्रेस ने किया वो कोई कर ही नहीं पाएगा। गिनवाइए ना, कुछ तो बताइए। के जमाने में 400 का सिलेंडर था, आज मोदी के जमाने में 1100 का सिलेंडर है। 67 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने 50,000 रुपए कर्जा लिया, 50,000 करोड़ कर्जा लिया था। मोदी जी ने 9 साल में 50,000 करोड़ का। देश का डंका भी तो बज रहा है दुनिया भर में। कहा का डंका बज रहा है? इतने बलात्कार वहाँ की देख लो ना सीन, मणिपुर की। मणि 9 साल बेमिसाल है। अरे काहे का बेमिसाल है ना, हकीकत बेमिसाल है। इतनी महंगाई इतनी है तो बेमिसाल सही है। ऐसा वो सड़कें अच्छी हो गई। कौन सी सड़क अच्छी हो गई? गरीबों का कल्याण हुआ है। गरीबों का कल्याण हुआ? गरीबों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही आज के टाइम पे। भूखे पेट तो पूजा भी नहीं हो रही है भैया। भूखे पेट पूजा हो जाएगी? क्या पूजा करते रहे? उनके पेड़ तो पूजा भी नहीं होती भैया। तो फिर क्या लगता है, 24 में बदलाव? 24 में बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल 100% बदलाव। कौन आने वाला है? आएगी कांग्रेस। आप क्या करते हैं? 60 रुपया किलो टमाटर तेरे में चला है? पता नहीं है कि राहुल को नाम कहा है, इन्हें राहुल को नाम भी नहीं पता है। राहुल की जात कौन सी है बताइए? बताइए, उधारी हिंदू है राहुल। राहुल मोदी की जात कौन सी? आधे कठुआ है। मोदी की कौन सी जात है? भाई है जो आती कौन सी बताओ? जो है आप मोदी की जात बताओ। आप राहुल गांधी की जात उनसे भाई साहब से पूछ रहे? आप मोदी की जात बताओ। अरे मोदी की जात नहीं मालूम है? आप मोदी की जात बताओ। कट्टर हिंदू है। बात क्या है, अच्छी समझो, कट्टर हिंदू। आपने हिंदू थे? आपके पिताजी हिंदू नहीं थे? मतलब ये 2015 सरकार बन गई तब से आप कट्टर हिंदू बन गए? उससे पहले आप कट्टर हिंदू नहीं थे? उससे पहले हिंदू नहीं थे क्या? बताइए आप, उससे पहले करो तो कम से कम। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री ठीक है जो भी बने वो अच्छी बात है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कट्टर हिंदू वाली बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोदी हिंदू नहीं है? पहले भी कट्टर हिंदू थे और आज भी है। ये नहीं की बीजेपी सरकार आ गई तो हम कट्टर हिंदू बन गए, ऐसा तो नहीं है ना। पहले भी हिंदू थे। राहुल हिंदू है कि नहीं है? क्यों नहीं है हिंदू? गांधी क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप? कोई भी बने पर अच्छा प्रधानमंत्री बने। वो तो पहले राम मंदिर बन गया और क्या चाहिए? नहीं मोदी जी नहीं होने चाहिए। मोदी जी नहीं होने चाहिए। नहीं क्यों क्यों मोदी से इतना नाराज? क्यों से नाराजगी है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है नहीं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं ओला बाइक चलाता हूँ। ओला बाइक चलाते हैं क्या? 2014 में क्या सपने थे आपके? बहुत कुछ सपने सोचे थे, वो अधूरे हैं। सोच रखा था वो नहीं हो पाया, पढ़ाई लिखाई की जॉब नहीं मिल पाई, फिर ये आगे
सीवी जलाई। क्या सपना क्या था आपका? सरकारी जॉब करने का था। सरकारी जॉब का, और आज क्या कर रहे हैं? और आज उत्तर प्रदेश जब से सरकार योगी बाबा की बन गई तब से कोई भर्ती नहीं निकली। हेलो, पहले बात बताइए, नहीं नहीं कट्टर हिंदू हम भी हैं, पर हिंदू पहले भी थे और आज भी हैं। आज लोगों ने कट्टर हिंदू कर दिया, पहले हिंदू नहीं थे क्या आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हिंदू नहीं थे हम लोग, जब से बीजेपी सरकार आई तभी हम हिंदू बने, उससे पहले क्या मुसलमान थे? हिंदू खतरा हो गया है, हिंदू खतरे हो ही जाएंगे। इसके बाद सही तो गृह मंत्री मुसलमान है, देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, जो भी है सब मुसलमान है, तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। गृह मंत्री जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब मुसलमान है ना, इसलिए जो आज हिंदू कैसे खतरे में हो जाएगा? जब सब बड़े बड़े पदों में जब हिंदू बैठा है तो हिंदू खतरे में कैसे हो जाएगा? आप बताओ मुझे, पाकिस्तान से डर रहे क्या? कौन एक छोटे से मामूली से देश से और हिंदुस्तान डर जाएगा? अगर पूरा हिंदुस्तान मुंह देगा तो पाकिस्तान बह जाएगा, उस पाकिस्तान से डर जाएंगे हम लोग? फिर भी फिर मुसलमानों से क्यों डरा रहे हैं आप लोग? बात ये है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे पहले इंसानियत। और रही बात योगी की और मोदी की, तो इन्होंने एक बताओ उन्होंने क्या किया देश के लिए? सब कुछ किया है, 5 साल की अग्निवीर की भर्ती कर दी, जो बच्चे को चांस नहीं उसको चांस मिल रहे हैं। अब ये बताओ उन्होंने कौन सा अच्छा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। क्यों मोदी? सारा काम ही मोदी कर रहा है। नहीं क्या 5 काम बता दे मोदी जी के? 5 काम बता दे, धारा 370 ढाई जी, और राम मंदिर बनवाया, और जो ये महंगाई की जो बात करते हो ना, महंगाई अगर और देशों के हिसाब से देखेंगे ना हिंदुस्तान में फ्री बहुत कम है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी पेट्रोल की क्या कीमत थी उस टाइम? हमें पता नहीं, हमें इतना ज्ञान नहीं था। आपको ज्ञान? हमने देखी नहीं प्रधानमंत्री वो तो कैसे थे। अच्छा, वो सरकार तो यानी 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ देश? हाँ जी, हाँ जी, यानी आजादी हमें 14 के बाद मिली है। 14 के बाद ही मिली। आप बताएं अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। मोदी क्यों? मोदी मोदी ने जो करके दिखा दिया ना, बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रही होती तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कॉस्ट कम से कम 2007 में आपको पता है कितने देश कंगाल हो गए थे, लेकिन हमारे देश पे असर नहीं हुआ था, क्योंकि एक अर्थशास्त्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और आज देख ले पेट्रोल की प्राइस कहाँ है, LPG कहाँ है। मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद में लिबरलाइजेशन पॉलिसी वो लेके आए हैं, उसके बाद में हमारे यहाँ पे FDI आना शुरू हुआ है। लेकिन आज की तारीख में FDI देखिए, पिछले 7 साल में जो FDI आया है वो पिछले 70 साल में नहीं आया है। इतना इन्वेस्टमेंट पिछले 7 साल में देश का कर्जा जितना बड़ा था 70 साल में भी नहीं था। मोदी के आने से पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन पर अगर हम देखें हैं, हमारी इकोनॉमिक लगभग हम 9 और या 8 नंबर पे थे, आज की तारीख में हम 5 नंबर पे हैं। सोचते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बने वो अच्छा बने, युवाओं के बारे में सोचे। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। मोदी या राहुल किसको चूज करेंगे? मैं चूज किसे का? मोदी मोदी को करेंगे यार। मोदी को नहीं, जैसे कि जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा उसका सपोर्ट करेंगे। तो कौन सोच रहा है हमारे भविष्य के बारे में? प्रधानमंत्री तो 9 साल बेमिसाल गरीब से राहुल बेमिसाल सोचेगा उसी के बारे में सोचेंगे। क्या आप समझते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? क्यों नहीं है? बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? उनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी से सोना निकाल देंगे, ये तो इनकी सोच है। मोदी बनेगा भैया, तो हमें रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार मिला लोगों को, रोजगार मिला 370 हटाने से, क्या राम मंदिर से बनवाने से अच्छी बात है? राम मंदिर बनवाया अच्छी बात है, हम भी नहीं बुरा कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है ना वहाँ लोगों को, रोजगार मिल रहा है, फूल बेच रहे हैं, फूल पाती फूल बेच रहे हैं भाई, कुछ पकौड़े भी चल रहे हैं ना, और वहाँ पे जो जो जमीनें खरीदी हैं लोगों के पास पास में वो सब अच्छे लोगों ने खरीदी है, क्योंकि उन्हीं को मिलेगा। गरीबों का कल्याण नहीं हुआ? कहाँ हुआ, गरीब जाएंगे वहाँ इन्वेस्ट अपना खर्चा और करेंगे, राम मंदिर देखने जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ट्रेन में वो खर्चा देंगे और उसके बाद और खर्चा करेंगे वहाँ राम मंदिर पे जाके। सरकार का ही होगा और लोग जो है वहाँ। क्या सोचते थे, क्या कह रहे? आप बताओ भाई देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। किस काम के? कौन से काम? मोदी जी के कौन से अच्छे काम है जिनके बिना पास करें? मोदी जी के 5 काम मैं ये तो कह रहा हूँ, सारे काम में बढ़िया। मोदी जी के 5 काम बताइए अच्छे काम। 5 काम अच्छे देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, दो दो तो, और पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हो गए। कौन से? पुलवामा में जवान तो अब से पहले शहीद होते आ रहे। मोदी जी ने कहा था एक के बदले में 10 सर लाऊंगा। मोदी जी के
रात से पहले सिर भी कटकर चले गए फौज इनके, वो भी अब तक वापस नहीं आए। मोदी जी ने कहा कि मतलब 10 लाऊंगा, तो 10 लाए नहीं है, 10 अन के जगह 20 अन के पता ही नहीं है, वो सिर में ही लाए, उन्होंने वही मिट्टी में मिलाकर आ गए, हमें लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरा सबसे बड़ा महिलाओं के लिए शौचालय भाई, मणिपुर में महिलाओं का क्या हाल है देखा आपने? मणिपुर में मोदी की कोई गलती नहीं है। किसकी सरकार है मणिपुर में? मणिपुर में सरकार मोदी के, लेकिन वो फैसला कोर्ट का था, कोर्ट के आधार पर महिलाओं को घुमाओ, कोर्ट के आधार पे वहाँ पर दंगा छिड़ा होता, मोदी ने ये नहीं कहा, कानून व्यवस्था बनाएगी, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया तो उसे बनाने में आग दिख जाती है और वो नहीं दिख रहा है। स्मृति ईरानी जी को गांधी जी राहुल गांधी जी की आंख दिख जाती है, पर वहाँ पे जो हुआ वो नहीं दिखता है। और जो अपनी पहलवानों महिलाओं के साथ जो ठाकुर साहब जानते हुए हो गए, उनका नाम भी लो सिंह जान गए ना, वो भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिख रहा, बाकी सिर्फ ये दिख रहा पहले लूटते रहो लोगों को, पहले सुनो सुनाओ, गलत के लिए गलत कहना, तो गलत नहीं है था ये उस बात ये गलत, गलत, ये गलत नहीं है, पहलवानों के साथ हो रही है ना, कहाँ हो रही, कहाँ हो रही भाई, अभी रुक जाओ भाई, अगर अभी हम किसी थप्पड़ मार देंगे या अभी आप कुछ कर देंगे तो पहले मुझे जेल होगी, उसके बाद कार्रवाई करते हैं पुलिस वाले, और वो तो ऐसे घूम रहे हैं। अरे भाई वो सांसद, आप कोई सांसद है तो वही बात है, हम गरीब लोग हैं इसलिए हमारी कौन सुनेगा, उनका एक रुतबा है, वो एक बड़े संविधान से चलता है, तो संविधान चलता है, तो संविधान क्या होता, अभी हम आपको मारे, अभी आप मुझे मारो, हम आपसे नहीं कह रहे, फिर आपको पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे चौकी में, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या नाम भाई? कृपा शंकर सिंह। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कौन से अच्छे काम किए? सारे अच्छे ही, बताइए 5 काम बताइए। अभी अभी बृहस्पतिवार को संसद में जो है सबकी बोलती बंद, उखड़ के सारे उठ के हाँ बोलती बंद हो गई। अरे पुराने अच्छे बताइए, मणिपुर में ऐसी घटना घटी, मोदी जी की घटी है, शर्मनाक है, वो मानते हैं। अच्छा आप मानते हैं शर्मनाक है? घटना घटती है, राज्य सरकार उसका कार्रवाई कर रही है। कहाँ कर रही? कुछ नहीं किया अभी तक तो सरकार। 2 महीने तक बताइए मणिपुर जलता रहा। आपके पास बाइक है? होगी होगी बाइक है। हाँ पेट्रोल क्या भाव है? पेट्रोल वही है जो काफी दिनों से चल रहा है, 96 रुपए। इस बार किसको लाएंगे? इस बार किसको लाएंगे? मोदी जी। हाँ विपक्ष कह रहा है इस बार मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी नहीं जाएंगे, किसी का दम नहीं है मोदी जी। इंडिया गठबंधन बना मालूम है आपको? कुछ भी गठबंधन बना, सारे एक हो जाएंगे तो भी मोदी को नहीं फोड़ पाएंगे। हाँ अकेला मोदी सबसे भारी, सबसे भारी है। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा है, इंडिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा? अरे इंडिया में ही तो बैठे हो, और कौन जीतेगा? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? मालूम नहीं भाई साहब। नहीं नहीं फिर भी कौन होना चाहिए? मन की बात बताएं। नहीं ये लोग ये जनता मान सुनेगी। तो आप भी तो उसी का हिस्सा हैं? नहीं मैं बाहर से हूँ। आप तो इंडियन है ना? मैं सोचता हूँ कि जो हम लोग सब जैसे ये हमारे साथ हैं भाई साहब, इनकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। आप अपनी राय बताएं। अगर हम लोग सब साथ के साथ बैठ सकते हैं, जो ऐसा माहौल बनाए जहाँ लोग सब एक साथ बैठ के बात कर सके एक दूसरे से प्यार से, जो भी इंसान वो ऐसा माहौल बनाएगा, यानी जो मोहब्बत की दुकान खोले, दुकान के बारे में नहीं जानता भाई साहब, मैं तो जानता हूँ इतना कि जो ऐसा माहौल बनाए मेरे देश में कि मैं जो मेरे साथ जो मेरी बात ना माने, मेरा जो मेरी राय ना भी रखे, मैं उसके साथ बैठ सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना नंबर देंगे 10 में से आप? मैं कोई नहीं, मुझे नंबर देने वाला। अच्छा बताइए राहुल या मोदी? नहीं भाई साहब मैं इस सब में नहीं, शर्माइए मत। नहीं लहर चली तो मोदी आएगा, मोदी की लहर चल रही है बस, मोदी की लहर चल रही है, मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा यार भैया? बस मोदी को मोदी जा रहे हैं। अरे जाएगा कुछ नहीं, कुछ साल चलेगा भैया मोदी को, कुछ साल तक मोदी रहेगा, अभी मोदी की लहर है, मोदी आएगा कुछ साल तक मोदी ही रहेगा। जितने लोगों को मोदी का भूत है ना, 1% और बन जाने तो मोदी की सब भूत उतर जाएगा, सब उतर जाएगा, उतर जाएगा अपने आप, अपने आप। अभी अभी 100 रुपए पेट्रोल हुआ, आपका 150 हो जाएगा। अभी अभी जो टमाटर इस साल 200 रुपए खरीदे, अगले बार 300 रुपए खरीदेंगे, कैसे भी सबका भूत उतर जाएगा, सबका सबका अनानी लेके 10 रुपए केजी वाले टमाटर अपने स्टोर में लगा लेते हैं। क्या नाम भाई तुम्हारा? राम जी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? ये मुझे बता रहे, लेकिन मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा? क्यों मोदी नहीं आएगा? उसके कारनामे ऐसे हैं। नहीं कौन सा कारनामा? अरे उधर बात है, मैं इन चीजों में क्यों मोदी हुआ कुछ मोदी मतलब खूब ही है। अच्छा बताइए,
बहुत काम है इसके मोदी पे, बहुत काम है। हंस रहे आपकी बगल में, कह रहे हैं कि एक काम आप बता नहीं पा रहे हो, मोदी मोदी कह रहे हो, देखो हंस रहे ना। बहुत काम ऐसे किए हैं भैया, उसका ले नहीं सकते, इतना गुना है। पांच काम बताइए, 370 हटाए और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान ध्यान नहीं आ रहा। बहुत काम, ये भी बता दो, एयरपोर्ट भेजा है, रेलवे भेज रही, और भी तो पांच काम है, ये काम नहीं है क्या? 15-15 लाख आपके खाते में आए हैं, ये काम नहीं है क्या मोदी जी के? ये भी तो देखो, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? काम किया है, कौन सा काम किया? धारा 370 हटाई, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, और काफी काम किया। क्या गलत किया? किया कोई गलत नहीं। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना हुआ, या तो मतलब यो मोदी जी ने यह फैसला, मोदी जी फैसला कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मोदी जी ने जो किया, मोदी जी आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, प्रधानमंत्री ओनली मोदी जी। मिलाया वहाँ बहुत लोगों को, मिला उसको नहीं मिला, जो वहाँ पे जितने भी है कोई चाहता था, बाकी कोई नहीं आया, प्रधानमंत्री ओनली मोदी। क्या नाम आपका? राहुल पांडे। अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। यानी राहुल चाह रहे हैं कि मोदी पीएम बने? राहुल क्यों चाहेंगे पीएम? आप राहुल है ना? हाँ, अच्छा, राहुल पांडे जी चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं चाह रहे। राहुल पांडे चाह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल बनेंगे। कौन सी खासियत बताइए? खासियत बताओ, कौन सी खासियत नहीं है? नौ साल हो गया, नौ साल में मोदी जी ने कौन से ऐसे बड़े काम किए? कौन से काम नहीं किया उन्होंने? आप बताइए। एयरपोर्ट भेज दिया विपक्ष वाले कहते हैं, कौन क्या एयरपोर्ट भेज दिया विपक्ष कर? एयरपोर्ट भेज नहीं दिया सर, एयरपोर्ट से हमने सेमी गोष्ठ में भेजा हुआ है, मान लिया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंदर ही है वो, आज भी वो चला गो प्राइवेट संस्था रही है, लेकिन अंडरटेकिंग आज भी गवर्नमेंट के अंदर। बताइए जो है, हम एयरपोर्ट उतरते हैं अडानी एयरपोर्ट, आज एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आप जाते हो तो आप पहले देखो जाके, आज एयरपोर्ट जाके देखिए एयरपोर्ट के अंदर क्या व्यवस्था है। महंगाई भी तो बढ़ गई, तो महंगाई का आपकी इनकम नहीं बढ़ी है? आपकी इनकम नहीं बढ़ी? आज से पहले 20 साल पहले आप कितना कमाते थे, आज कितना कमा रहे हो? आप 20 साल पहले की जाइए तो आप उतना कमाओगे? टमाटर खाया आपने? बिल्कुल खाए। क्या भाव था टमाटर? टमाटर 100 रुपए किलो आज के रेट में। 100 रुपए? हाँ। कहाँ भाई, आज 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी, 9 साल से ज्यादा हो गया, कौन सी उपलब्धियाँ उनकी? उपलब्धियाँ तो काफी है, जैसे अभी आप उज्ज्वला के लिए देख रहे हो, मकानों के लिए देख रहे हो, सबसे जो प्राथमिकता है देश के अंदर, जितनी हमारी उम्र हो गई 58 वर्ष की, आज तक ऐसी कहीं पे सड़कें दिखाई नहीं दी थी गड्ढों की, और पूरे देश के अंदर सड़कों के लिए माननीय गडकरी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। ये गडकरी जी का जो काम है वो देश के अंदर सबसे नंबर वन पर है। बीजेपी को 60 साल इंतजार करवाता ना, कांग्रेस को 120 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, सत्ता में आने के लिए तब तक कौन रहेगा? मोदी, योगी, बीजेपी? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? बेस्ट है, गरीबों के लिए सोचते हैं, समझते हैं। मोदी जी ने देश का डंका बचवा दिया पूरी दुनिया में, फिर भी आप कह रहे राहुल गांधी? मोदी जी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, यानी 24 में राहुल को आना चाहिए। अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी? बिल्कुल नहीं कह रहे। 9 साल बेमिसाल है, 9 साल सबसे बेकार। बेकार कितने नंबर देंगे 10 में से? एक। एक भी नहीं? 24 में राहुल को चुनने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, राहुल और मोदी में चुनना हो किसी, आप चुनो राहुल को? राहुल को क्यों? राहुल को, राहुल ने तो लोन भी माफ किया था पहले, और किसानों का भी देखा था। अभी यहाँ पे जो किसान मारे गए थे इसको लिए, सालों में विकास हुआ है कि नहीं देश में बताइए? मुझे तो कोई विकास नहीं दिखाया गया, कोई विकास नहीं। सत्यानाश तो आपने कहा है, अभी तो आप कर रहे थे। अच्छा बताइए, राहुल की कौन सी खूबी है कि आप कह रहे 24 में पीएम बनेंगे? अखिलेश की पीएम बनेंगे तो बनेंगे क्या? नहीं, अखिलेश बनेंगे या राहुल बनेंगे? राहुल नहीं तो अखिलेश।